हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये है लाइटनिंग फेस मास्क। ये स्किन लाइटनिंग फेस मास्क है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल टोटली 100% वेजिटेरियन है और ये 100% हर्बल प्रोडक्ट है। तो ये है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का फेस मास्क। ये लाइटनिंग फेस मास्क है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। अगर ये कैप्चर कर लेगा कैमरा तो दिख जाएगा आपको। वाइट है ना, तो ये कैप्चर नहीं हो रहा है शायद ठीक से, इस तरह से। चलिए छोड़िए। तो फ्रेंड्स, ये जो फेस मास्क है इसका रिव्यू मैं आज करने वाली हूँ। ये फेस मास्क मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही थी फ्रेंड्स। मैंने इसको मंगाया था अमेज़न से मैंने इसको परचेस कर लिया था। तो ये बहुत ही अच्छा फेस मास्क है फ्रेंड्स। मैं इसको वन मंथ से तो इस्तेमाल कर ही रही हूँ, क्योंकि मैं अभी जो वेदर चल रहा है, रेनी सीज़न है, तो रेनी सीज़न में मैं हमेशा इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ कि मेरी स्किन पे कोई भी बैड इफ़ेक्ट ना पड़े। तो इस वजह से मैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं ये सब आप लेना, तो आप भी इसको बाय कर सकते हो अमेज़ॉन से, या फिर नायका से, या फिर फ्लिपकार्ट से, या फिर पर्पल पे भी आपको मिल जाएगा। ये अवेलेबल है वहाँ पर भी, तो मैं इसके लिंक आपको दे दूंगी इसका, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मास्क बहुत ही अच्छा है। ये स्किन मास्क है, आप इसको हैंड पर भी लगा सकते हो। आप अपने फेस पर तो लगा ही सकते हैं, लेकिन अपना नेक कभी मत भूलिएगा, कभी भी नहीं। क्योंकि जब हम अपने फेस पर कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं, फेस मास्क वगैरह या स्क्रब वगैरह, तो अपने नेक को भी हमेशा यूज़, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अपने नेक पर भी ज़रूर लगाइए। तो फ्रेंड्स, ये फेस मास्क बहुत ही अच्छा है। ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का है और इसके प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं बिल्कुल 100% हर्बल होते हैं। इसलिए आपकी स्किन पे कोई भी गलत असर, मतलब बुरा असर और या फिर बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है आपकी स्किन पर, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे मेरी स्किन, तो मैंने इसको ही अप्लाई कर चुकी हूँ मैं पहले, और फिर मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसी कंपनी का मैंने एक ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का शीट मास्क का भी रिव्यू किया हुआ है। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा है फेस शीट मास्क, क्योंकि वो शीट मास्क वो भी हर्बल है, तो और भी आपको वेरिएशन उसमें मिल जाएंगे। अगर आपको वो इस्तेमाल करना है तो वो कर लीजिए जो मैंने यूज़ किया है, और अगर आप दूसरा करना चाहते हैं तो आप दूसरा भी बाय कर सकते हो, तो वो भी आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन में ही मिल जाएगा। और अगर चाहें आप लेना मार्केट से, तो मार्केट से ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, अगर आप चाहते हैं, इसमें इंटरेस्ट है इस वाले प्रोडक्ट, मतलब इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करने में, तो आप बने रहिए मेरे साथ और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स। और शेयर जरूर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद ही आप लोग जाइएगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मुझे भी सपोर्ट करिए। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए इसका रिव्यू और इसका डेमो। तो फ्रेंड्स, ये है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का लाइटनिंग फेस मास्क है। ये स्किन लाइटनिंग फेस मास्क है। ये एसेंशियल ऑयल है इसमें फ्रेंड्स, और इसमें सबसे ज़्यादा एसेंशियल ऑयल क्लोव का है, यानी कि लौंग का। और ये इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। ये 100% क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है और ये एकदम वेजिटेरियन है, बिल्कुल वेज है इसमें, और कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है इसमें। तो फ्रेंड्स, ये इसके जो क्वांटिटी आती है वो 50 ग्राम्स है, और क्या कहती हूँ कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है जुलाई 2018, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ था उस समय, और एक्सपायरी डेट है अप्रैल 2020। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा फेस मास्क है, और जो अभी रेनी सीजन चल रहा है तो इस तरह के फेस मास्क आपको अप्लाई करते रहने चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छे उसमें आता है, और इस तरह से आप ये इसको ओपन कर सकते हो। और आप इसको लगाना कैसे है, आपको हमेशा अपने फेस को वॉश करना है। अगर आप जब भी कोई भी फेस वॉश करके ही आप स्क्रब करिए, और या फिर आप मास्क लगा रहे हैं कोई भी, तो आप फेस मास्क हमेशा अपने क्लीन फेस पर ही अप्लाई कीजिए, और स्क्रब भी अपने क्लीन फेस पर ही अप्लाई कीजिए, ताकि इससे आपकी जो
कोई भी प्रॉब्लम होगी वो नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी और आपकी जो स्किन होगी वो भी अच्छी हो जाएगी। तो ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, ये ऐसा टब आता है ये, तो इस तरह से ये ओपन होता है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी लगती है। और इसका टेक्सचर इस तरह का है, मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत ही अच्छा है ये, आराम से क्रीमी है ये, थिक नहीं है बिल्कुल भी, इस तरह का थिक नहीं आता है ये प्रोडक्ट, और अच्छा है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, इसमें इसको यूज़ कर रखा है। अगर आप चाहें तो आप इसको बाय कर सकते हो, तो ये आपको अमेजोन पर, नायका पर या फ्लिपकार्ट पर, आप जहाँ से परचेस करना चाहते हो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। और इसमें एसेंशियल ऑयल्स ज़्यादा पड़े हुए हैं तो इसलिए ये 100% बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है आपके फेस पर, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको लगाने से। और ये आपको बता ही दिया मैंने कि कितने का है, और अगर नहीं बताया तो मैं फिर से बता देती हूँ, 545 का है ये, लेकिन ये अगर आप मार्केट से लेंगे तो ही आपको इतने का पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो वहाँ के मैं बाय लिंक आपको दे दूँगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो इसी के साथ मैंने एक सीट मास्क का रिव्यू किया हुआ था अपनी वीडियो में, एक वीडियो मैंने डाल रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हो, तो आप देख लीजिएगा कि वो बहुत ही अच्छा है सीट मास्क। इसका मुझे सीट मास्क बहुत अच्छा लगा क्योंकि जी ये हर्बल प्रोडक्ट होते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं। तो इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, इसमें क्लोव है, इसमें कपूर है, इसमें मतलब कैम्फर एसेंशियल ऑयल है इसमें, और क्लोव एसेंशियल ऑयल है इसमें, ऑलिव ऑयल है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं फ्रेंड्स जो कि आपकी स्किन को लाइटर बनाएंगी एंड ब्राइटर बनाएंगी, मतलब आपकी स्किन को 100% लाइट भी कर देंगी, मतलब 100% क्या मतलब, जैसे आपकी स्किन टोन है उससे आपका एक दो टोन तो शेड लाइट हो ही जाएगा। तो ये आपको ऐसे ही आप परचेस करना है, जैसे मैंने बता दिया है आपको, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो, आराम से ले सकते हो, बाय भी कर सकते, आप बाय कर लीजिए और इसको यूज़ करना। बस आपको 15 से 20 मिनट्स के लिए आपको अप्लाई करना है अपने फेस पर, तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सब कुछ मेंशन है, अगर आपको आप देख पाएँ तो आप देख सकते हो, ये देखिए यूज़ करने का तरीका भी दिया हुआ है, इसमें सब कुछ मेंशन है। अगर आपको खुद रीड करना चाहते हैं तो आप रीड भी कर सकते हो, मैं इस तरह से आपको दिखा देती हूँ तो आप आराम से रीड कर लीजिएगा, स्टॉप करके आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद रीड कर लें ये सब जो जो इसमें डला हुआ है। एक्चुअली ये बहुत ही छोटा छोटा सा लिखा होता है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है देखने में और समझने के लिए टाइम चाहिए, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ और अगर आपको दिख जाए तो आप इसको देख सकते हैं। वैसे आप, मैं बता रही हूँ ना आपको, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप इसको परचेस करिए, 100% बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है ये। तो चलिए इसको लगा कर देख लेते हैं कि मैंने किस तरह से यूज किया है, किस तरह से मैंने इसको यूज़ करती हूँ और आप लोगों को भी किस तरह से यूज़ करना है। तो आपकी हर स्किन टोन के लिए है, अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, मतलब आपकी स्किन कोई भी है उसके लिए आपको ये वाला जो लाइटनिंग मास्क है वो इफ़ेक्ट देगा, मतलब अच्छा ही देगा, रिजल्ट ख़राब नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं इसको लगाना कैसे है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं अप्लाई किया है, और आप भी जब भी आप कोई भी पैक लगाइए या स्क्रबिंग कीजिए तो हमेशा फेस को एकदम क्लीन होना चाहिए, फेस वॉश होना चाहिए। अब मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई करने वाली हूँ, मैंने सिर्फ अपने लिप्स पर लिप बाम लगाया है और तो मैं कुछ भी नहीं लगाई हूँ, मेरा एकदम फेस क्लीन है, एकदम क्लियर है। तो इसको लगाते हैं, देखिए कितना थिक है ये, बस इसको इसमें से ऐसे इस तरह से निकाल लेना है और इस तरह से अप्लाई कर लेना है, आपको इसी डायरेक्शन में लगाना है। पूरे फेस को अच्छे से कवर करिएगा, ये बहुत
इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना फ्रेंड्स, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी है। तो मैं इसको लगा लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ 15 से 20 मिनट्स बाद। तो देखिए मैंने इसको पैक को लगा लिया था फ्रेंड्स, और 20 मिनट्स हो गए हैं। तो मैं अब इसको वॉश कर लेती हूँ। ऐसे ही रहेगा ये, क्योंकि ये क्रीमी बेस है, मतलब इसको ड्राई नहीं होगा, ये इसी तरह से ही रहेगा। इस तरह गीला गीला, मतलब कि बैठ ही रहेगा। ये देखिए क्रीमी है, क्योंकि ये क्रीमी कंसिस्टेंसी है इसकी, तो इस वजह से ये ऐसे ही रहने वाला है। तो मैं वॉश करके आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मैंने फेस वॉश कर लिया है अपना, मतलब मैंने वाटर के साथ वॉश कर लिया है, और देखिए मेरा फेस कितना क्लीन लग रहा है, और शाइनिंग भी आपको दिखाई दे ही रही होगी। और ये मैं ड्राई ऐसे ही होने देती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और मैंने वॉश करने के बाद देखिए मेरी लिप कलर भी निकल गया है, लिप बाम जो मैंने लगा रखा था, थोड़ा थोड़ा वेट रह गया है, वो भी रिमूव, अभी ड्राई हो जाएगा मेरा। तो चलिए मिलती हूँ मैं भी आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है इसका रिव्यू एंड डेमो, और ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। इसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितना भी इसमें जो भी यूज़ किया हुआ है, मैंने आपको बता दिया है रिव्यू में, लेकिन मैं फिर से बता दे रही हूँ कि इसमें जितना भी जो भी इसमें प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, जो भी इसमें यूज़ किया गया है इस क्रीम में, इस मास्क में, तो हर्बल नहीं, इसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं। और एसेंशियल ऑयल्स आप लोग जानते ही हैं कि हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। एसेंशियल ऑयल्स तो हमेशा इस्तेमाल करती हूँ मैं, हमेशा ही मेरे पास बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं, तो मैंने बाय कर रखे हैं, और कुछ आने वाले हैं मेरे, तो मैं ये सारी चीज़ें परचेस करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ों का यूज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे न्यू चीज़ें इस्तेमाल करना और उनका यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा न्यू प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, और जो न्यू लॉन्च होते हैं तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और मैंने ये मैंने किया अभी यूज़ था, लेकिन मैंने इसको बहुत टाइम से मंगा लिया था, तो मैं इसका नंबर आ ही नहीं रहा था यूज़ करने का, तो मैंने सोचा चलिए अब आप लोगों के साथ इसका भी शेयर करना चाहिए कुछ। मैं इसको यूज़ भी कर रही थी वन मंथ से, लेकिन आपके सामने मैंने नहीं रिव्यू किया, तो मैंने सोचा चलिए कर लेती हूँ मैं रिव्यू। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। तो और शीट मास्क भी बहुत ही अच्छा है, और जब भी आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, चाहे आप शीट मास्क हो, मैंने बता दिया है लेकिन मैं फिर से बता दे रही हूँ कि आप चाहे शीट मास्क इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर स्क्रब इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आप कोई फेस मास्क इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब कुछ भी यूज़ कर रहे हैं अगर, तो भी आपकी स्किन पर बिल्कुल भी कोई भी प्रोडक्ट, मतलब कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, कोई क्रीम नहीं होनी चाहिए, कोई ऑयल नहीं होना चाहिए, तब आप ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। और इसका रिज़ल्ट अगर आप अच्छा चाहते हैं, तो आपको हमेशा अपने फेस को क्लीन करके ही ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इसका अगर आप परचेस करना चाहते हैं, तो मैं इसका लिंक तो प्रोवाइड कर ही दूँगी, और अगर आप चाहते हैं शीट मास्क का भी मैं लिंक दे दूँ, तो मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे मिल गया तो मैं ज़रूर दे दूँगी, अगर मुझे नहीं मिला तो आप मार्केट से बाय कर सकते हो, या फिर और भी शीट मास्क आते हैं, जैसे गार्नियर का हो गया, या फिर मैंने गुड वाइब्स का भी शीट मास्क का रिव्यू किया हुआ है, आप उसका भी ले सकते हो, क्योंकि जितने भी शीट मास्क हैं वो 100 रुपीज़ के ही अंडर आते हैं, तो आप 100 रुपीज़ ईच आएगा या 100 के अंदर ही आ जाएगा, तो आप उसको बाय कर सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए, अगर आप लोगों को थोड़ा भी ये हेल्पफुल लगता है ये वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ एक लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मुझे लाइक करिए, और मेरे वीडियोज़ हैं उसको शेयर ज़रूर कीजिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स, और जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ एक टच करना है आपको अपने मोबाइल में और सब्सक्राइब हो जाएगा, और उसके बाद ही बेल आइकन आएगा, तो बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा, तो जैसे ही आप हिट करेंगे तो न्यू वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।